हेलो दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान आपका स्वागत करता हूँ यूरिका टेक चैनल पे। आज मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना वीडियो लेक्चर बना सकते हैं, कैसे आप डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस ले सकते हैं, कैसे आप यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, कैसे आप क्लासरूम में, ट्रेनिंग रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में डिजिटल कंटेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इन चीज़ों को करने के लिए जैसे लाइव क्लासेस लेना है, लाइव क्लासेस आप अपने एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जो हार्डवेयर है, अब हम लोग सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। हार्डवेयर में जो पहला हार्डवेयर आपको जरूरत पड़ता है वो है लैपटॉप, पहला लैपटॉप। दूसरा जो हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी इसमें वो है राइटिंग पैड, राइटिंग पैड, पेन टैबलेट, और आपको ग्राफिक पेन टैबलेट, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तीसरा जो है वो आपको जरूरत पड़ेगा माइक। चौथा कैमरा। ये सारे डिवाइसेस मिला करके आप जो है बहुत बढ़िया आप अपना जो है वीडियो लेक्चर्स बना सकते हैं। लैपटॉप लेंगे तो किस तरह का लैपटॉप होना चाहिए हमारे पास, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आप रेगुलर लैपटॉप यूज करते हैं लाइक i3 प्रोसेसर हो, 4 GB रैम हो, और स्टोरेज जैसा भी हो, i3, i5, i7, इस तरह का जो आप लैपटॉप इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा माइक, इसमें वायर वाला माइक और वायरलेस माइक दोनों ही आप ब्लूटूथ माइक, ये तीनों तरह का जो माइक है आप यूज कर सकते हैं। चौथा जो है कैमरा, उस कैमरा को भी आप यूज कर सकते हैं। कैमरा बड़े ही चीपर लेवल से इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल जाता है, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं इन सारी चीज़ों को, जो कि आपका 15,000 के बजट में 1080p पे रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरा भी अवेलेबल हो जाता है। तो और डिफरेंट डिफरेंट बजट, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पे है, आपको इसमें कैमरा भी मिल जाता है। और आज जो हम लोग मेन डिस्कस करेंगे और इन सब में रिकॉर्डिंग क्लासेस लेने में, डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस करने में, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ता है वो है हमारा राइटिंग पैड। राइटिंग पैड जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में। राइटिंग पैड जो यूरेका टेक्नोलॉजी लेकर के आया वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत बेहतरीन इसलिए है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट एटलीस्ट 7 ईयर्स प्लस लास्ट करता है, तो इतनी ड्यूरेबिलिटी है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो बैटरी फ्री, इसमें पेन आता है, इसमें अलग से अडेप्टर चार्जर की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो कंपोजिट केबल्स दिए हुए रहते हैं उसी से ये लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट होकर के USB से चार्ज हो जाता है। पेन में जो है बैटरी चेंज करने या रिप्लेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1080p पे है, जो रिकमेंडेड होता है कि स्टैंडर्ड वीडियोस के लिए। और ये एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, जो क्योंकि जब इसको हम लोग यूज करते हैं तो बहुत सारा टाइम हम लोगों को स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बताना पड़ता है। जब हम लैपटॉप या अदर टैबलेट को यूज करते हैं तो उसमें आंखों में हमारी स्ट्रेन आने लगती है, बट ये इसमें बिल्कुल ही नहीं स्ट्रेन आएगा, बिल्कुल ही नहीं थकावट फील होगी, बहुत ही बढ़िया। आई गारंटेड यू फील लाइक अ पेन एंड पेपर, इतना स्मूथ आपको फील होगा कि पेन पेपर पे जैसे हम लिखते हैं वैसा फील होगा। इसमें ये भी नहीं होगा कोई टच स्क्रीन लैपटॉप या टैबलेट पे आप लिखते हो तो पाम टच हो जाता है तो पाम का इंप्रेशन आता है, बिल्कुल आप पाम टच करो और उसको उस पे आप लिख सकते। अब आपने हमारे हाथ में देख रहे होंगे कि मैं ग्लव्स पहन रखा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है। ये ग्लव्स जब हम लोग ये राइटिंग पैड और ये प्रोवाइड कराते हैं अपने प्रोडक्ट, इसके साथ ही मिलता है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। जब आप राइटिंग करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ये स्लिपरी फील देता है, आपको रब नहीं होता है, वो रेजिस्टेंस की रजिस्ट होगा स्क्रीन पे आपका अगर पाम टच हो रहा है तो, क्योंकि पेन पेपर पे तो ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे क्योंकि ये स्क्रीन होता है तो इस पर टच होता है तो थोड़ा सा, तो आप ये अगर यूज करते हैं तो और भी बहुत बढ़िया फील करते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसा मार्केट में किसी का पेन टैबलेट नहीं है, कोई ऐसा जो है इतनी बेहतरीन क्वालिटी का, इतना अच्छा परफॉर्मेंस वाला पेन टैबलेट नहीं प्रोवाइड करा रहा है, और बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट पे हम लोग इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज जो हम लोग टैबलेट डिस्कस करने वाले हैं, तो पेन टैबलेट दो तरीके का होता है, एक डिस्प्ले, दूसरा नॉन डिस्प्ले।
नॉन डिस्प्ले वाला हम लोगों ने ऑलरेडी उसका रिव्यू कर चुके हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाकर के उसको आप देख सकते हैं। आज जो हम लोग टैबलेट दिखाएंगे वो डिस्प्ले टैबलेट होगा। डिस्प्ले टैबलेट में 3 डिफरेंट साइज है एट द डिफरेंट प्राइस लेवल, अलग साइज अलग प्राइस होता है। इसमें जो पहला साइज है वो 12 इंचेस में प्रोवाइड कराते हैं, दूसरा जो साइज है वो 15.5 इंचेस, तीसरा जो साइज है वो 21 इंचेस। आज जो हम लोग टैबलेट जो दिखाएंगे आपको वो 12 इंचेस का है, दैट इज वेरी हैंडी पोर्टेबल और बहुत ही मजा आएगा आपको इसको यूज करने में। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए जो हम लोग इसको आपको बताएंगे या करवाएंगे। ये था हार्डवेयर, अब हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इसमें क्या क्या चाहिए। सॉफ्टवेयर सबसे पहला जो है, इसके साथ हम लोग ड्राइवर देते हैं, वो ड्राइवर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। दूसरा, इसके साथ टीचिंग टूल्स देते हैं। टीचिंग टूल्स मतलब वैसे टूल्स जो आप अगर उस पर एनोटेशन या राइटिंग कर रहे हैं या कंटेंट को यूज कर रहे हैं, डिजिटल कंटेंट, वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ, पीपीटी, वीडियो इमेज, तो उसमें वो हेल्पफुल होता है उसके साथ इंटरेक्ट करने में, लिखने में, अलग अलग टाइप का पेन, इरेजर एंड मेनी थिंग्स इन टीचिंग टूल्स। तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर उसके साथ आपको देते हैं, जो कि सब कुछ फ्री है उसी के प्राइस में। तो बस यही दो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, एक ड्राइवर, दूसरा टीचिंग टूल्स। उस टीचिंग टूल्स की जगह बहुत सारे जो लोग हैं वो पीपीटी यूज करते हैं, पीडीएफ यूज करते हैं, अगर वो जूम्स के थ्रू लाइव हो रहे हैं तो जूम में एक टीचिंग एनवायरनमेंट मिलता है उसको यूज करते हैं, या अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग भी कुछ बेस्ट टीचिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने टैबलेट को, टैबलेट है कैसा, ये पेन टैबलेट राइटिंग पैड है कैसा, और इसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। तो चलिए देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं हम। ये कुछ कंपोजिट केबल्स हैं, इसको अब हम लोग कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो केबल, एक जो है दो यूएसबी कनेक्ट करने के लिए है, यहाँ पे एक सी टाइप है एक नॉर्मल, ठीक है, ये वाला। अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इजिली आपके सामने। ये मैंने सी टाइप वाला कनेक्ट कर दिया और ये जो यूएसबी है ये इधर लग गया। अभी अब जो है हमारा टैबलेट कनेक्ट हो गया हमारे लैपटॉप से। ये जो लैपटॉप दिख रहा है ये दो केबल लगता है और दोनों केबल अटैच हो जाता है हमारे लैपटॉप में। लैपटॉप में एक यूएसबी में अटैच हो जाता है और एक एचडीएमआई पोर्ट में अटैच हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास पेन है, जो आप पेन देख रहे हैं, इस पेन में ये आपको एक बटन भी पेन पे दिया हुआ है जो जूम इन जूम आउट या अलग अलग फंक्शन, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक के हिसाब से आप इसको अपने कस्टमाइज के हिसाब से सेट कर सकते हो। और ये जो पेन है ना, जब आप पकड़ते हो हाथ में फील करते हो तो फील लाइक अ वॉल्वेट, बड़ी ही सॉफ्ट और वॉल्वेटी फील होता है और बहुत ही एक्यूरेट एंड ग्रिपी पेन है। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज देते हैं। ये डिस्प्ले वाला है आप जो देख रहे हैं, ये नॉन डिस्प्ले यहाँ पे रखा हुआ है पहले से, मैं इसको भी आपको दिखा दूँ जिसका कि मैंने रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ये वाला, इसमें डिस्प्ले नहीं होता है, नॉन डिस्प्ले होता है। और इसके साथ साथ आपको जो है अलग अलग बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। ये पेन होल्डर है, आप सामने देख रहे होंगे, ये जो इसके साथ निब और पॉइंट है ना, ये आप अपने कस्टमाइज के हिसाब से, इसके साथ भी हम लोग ये देते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। और इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे इसका टूल्स है दिया हुआ, जिससे इसको बाहर निकाल के इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, निब है इसका, ये आप यहाँ पे होल्डर है इसमें रख सकते हैं, रखने के लिए दिया हुआ है, ये पेन ऐसे रख सकते हैं। अब जो है हम लोग इस टैबलेट पे कुछ चीजें राइटिंग करके देखते हैं कि कैसा है इस पे राइटिंग, हाउ वी फील द राइटिंग व्हेन वी राइट ऑन दिस टैबलेट, ठीक है। तो डेफिनेटली, और इसके साथ क्या है कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपने टैबलेट पे लिख रहा हूँ, अलॉन्ग विथ आपके लैपटॉप पे जा रहा है। और ये जो लैपटॉप है ये कनेक्टेड है हमारे पीछे जो डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड आपको दिख रहा है, इंटरेक्टिव आईएफपी इसको बोलते हैं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, ये भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आपका, इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और ये टैबलेट लैपटॉप से लैपटॉप इससे, तो आप यहाँ पे सिटिंग करके, आप पोडियम पे खड़े होकर के बच्चों से आई कांटेक्ट बना करके आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे, या ट्रेनिंग रूम में हो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में आप डिस्कस भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा भी सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जो बताया था लाइव होने के लिए, इजीली आपका अगर यूट्यूब जो है लैपटॉप पे चलता है, आप यूट्यूब को लैपटॉप पे चलाएंगे, जैसे अभी मैं बता देता हूँ, ये आपको YouTube चलेगा, और YouTube पे भी आप लाइव हो सकते हैं यहाँ से। जो भी आप देख रहे होंगे कि मैं पेन
अपने टैबलेट से ये सारा काम कर रहा हूँ, और यहाँ से आप जा करके आप लाइव हो सकते हैं, आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं या लाइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूट्यूब पे यूज कर सकते हैं। अब जो है इसमें अगर मैं कुछ चीज़ें यूज करूँ, लिखूँ, राइटिंग करके दिखाऊँ, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम टीचिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, उसका इंटरफेस दिख रहा है। इसके अलावा और भी टीचिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है ये पेन है, पेन बहुत सारे तरह का पेन मिलता है इसमें, 10 तरह का, 10 टाइप ऑफ पेन हमारे टीचिंग टूल्स में मिलता है। अलग अलग इसमें कलर्स मिलता है, बिलियंस ऑफ कलर्स आप यूज कर सकते हैं और इससे लिख सकते हैं। जैसे अभी अगर हम लिखते हैं कि हाउ टू मेक वीडियो लेक्चर, इसमें आप अलग बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। जैसे अलग बैकग्राउंड के साथ मैं यूज करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। पेन में मैं इस पे वाइट कलर ले लेता हूँ। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? पहली बार जो हमारे चैनल पे आए हैं और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, कि जो भी इस तरीके के वीडियो हम लोग लाएंगे आपको ऑटोमेटिकली ये मिलते रहेगा। और कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद नहीं है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट में बताएं कि क्यों नहीं आया, और हम लोग उस पर काम करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। आगे हम लोग किस तरह का वीडियो लाएं आप इसके बारे में भी बताएं, हम लोग इस पर भी काम करेंगे और उस तरह का वीडियो हम लोग लाएंगे। आप इस पे जो है किसी भी तरीके का टेक्स्ट जो है आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे भी आप लिखना चाहें। बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है। जैसे मैं सिग्नेचर करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ, तो ऐसे आप ड्राइंग करना चाहें ड्राइंग भी कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, बना सकते हैं। ये फुल स्क्रीन करके मैं दिखा रहा हूँ, आपको उधर भी दिख रहा होगा, यहाँ लैपटॉप पे भी आ रहा है, पैरेलली यहाँ पे भी आ रहा है। इसमें और भी चीज़ें मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है हमारे शॉर्टकट बटन्स भी होते हैं। इसको आप अपने हिसाब से राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डिलीट, इरेज, इरेजर और जूम इन जूम आउट के लिए भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको इसमें यूज कर सकते हैं। अभी PDF के बारे में बता रहा था, अगर आप चाहें तो मैं PPT भी आपके लिए, PPT भी एक दिखा देता हूँ कि कैसे आप PPT पे प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। अभी मैं PPT को ओपन कर रहा हूँ, ये PPT ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर भी आप लोग लिख सकते हैं। ये PPT हमारा ओपन हो गया, और PPT का भी पेन आप यूज करके PPT पे पढ़ा सकते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये अब जैसे है, इसमें मैं अलग कलर ले लेता हूँ। द सोलर सिस्टम, इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो द सोलर सिस्टम में कौन कौन से हमारे ग्रह होते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे जो है मैं कुछ हाइलाइटर भी यूज करके दिखाता हूँ कि हाइलाइटर आपको कैसा दिखेगा। व्हाट्स इन आवर सोलर सिस्टम, ये जो है व्हाट्स इन आवर सोलर सिस्टम, इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल स्टार द सन, द 9 प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, मून, एस्ट्रॉइड्स, ये सब जो हैं आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। पढ़ाना तो शायद आप हमसे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसमें हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं। फिर से हम लोग पेन ले लेते हैं, पेन पे आ जाते हैं, और यहाँ से कुछ चीज़ अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट या कर्टन ऐसे डाल सकते हैं, कर्टन आपने डाल दिया, कुछ क्वेश्चंस दिया। ऑनलाइन में भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का अगर आपके पास कमेंट आ रहा है और उस कमेंट में ही कुछ अगर आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कमेंट भी पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उनको रिप्लाई देना है, कुछ चीज़ें उनके लिए भी अट्रैक्टिव कुछ ऐसे थंब इम्प्रेशन दिखाने हैं तो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा नया ले लेता हूँ ये। अगर कुछ चीज़ें आपने दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपने दे दिया कि आप लोग ये बनाए एक मैथ्स का कि 2x² + 4xy + 2x = 48, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ऐसा एक क्वेश्चन है, अगर आपने ले लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर कर दूं यहाँ पे, और इसमें जो है मैं अगर आपको कर्टन लगाता हूँ ये, तो ऐसे हो जाएगा।
और क्वेश्चंस जो है आपका क्वेश्चंस इसमें रहेगा, और फुल स्क्रीन ठीक है, और बाकी अगर क्वेश्चन ऐसे कर्टन अगर आप हटाते हैं तो नीचे में सॉल्यूशन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका नीचे में यहाँ पे ये सॉल्यूशंस हैं तो ये सॉल्यूशंस आ जाएगा। और बच्चों ने कुछ अच्छा जवाब दिया ऑनलाइन में, जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से जो है उनको इस तरीके से अलग अलग थंब इम्प्रेशंस, कुछ ऐसे मेडल स्किल्स जो भी है ये कस्टमाइज भी आप लोग यूज कर सकते हैं। स्माइली इस तरीके के इमोजी आप, और कस्टमाइज इमोजी भी जो आपको पसंद है वो चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। तो इंटरेक्ट करने में जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा इस टीचिंग टूल से, इस टैबलेट से। और मैं आपको अगेन एक बार और श्योर कर दूं कि ये जो हमारा टैबलेट है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा टैबलेट आपको मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट हमारी कुछ चीज़ों में उनसे जो है ना प्लस एज है, बढ़िया है। आप बिल्कुल इन चीज़ों के लिए हमारे जो इंक्वायरी नंबर है आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, एक बार यूज कीजिए देखिए, बड़ी ही इकोनॉमिकल प्राइस पे है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आगे हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द फिर, जैसा कि अब हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आए, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी बड़ी धमाल सा चीज़ होने वाला है और वो जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, थैंक यू, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए, जिन्होंने नहीं किया है एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर उनको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं लगा तब भी कमेंट कीजिए। और किन चीज़ों पर और भी वीडियो बनाना आप हम लोगों से पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, उस गैजेट्स पे बनाऊं, डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइए। थैंक यू।